So good morning to all of you, and thank you very much for joining the live discussions initiated by the CASA CA Sumit Garg ji. Thank you very much, Sumit ji, for providing the opportunity to interact with the various participants, with various professionals. हम इस वेबिनार की सीरीज में ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. क्रिटिकल बेसिक की बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिटिकल एस्पेक्ट को टच करेंगे. ये एक वेबिनार है, ये सीरीज ऑफ द वेबिनार होगा. आपको कम्युनिकेशन मिलता जाएगा. पहला क्वेश्चन, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना टॉपिक, एंड जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बाय वे ऑफ क्वेश्चन. Suppose the today topic is reverse charge. Today topic is reverse charge. आप इस example को समझिए और मुझे answer दीजिए. मैं अपनी practical query बता रहा हूं मैं आपको. जो भी discussion करेंगे आज हम practical problems की बात करेंगे with respect to reverse charge. And दो service का मैं deeply analyze करूंगा. दो सर्विस का मैं डीपली एनालाइज करूंगा. वन इज एडवोकेट एंड वन इज जीटीए. सपोज लीगल सर्विसेज है, लीगल सर्विसेज है, और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किसने की है? एडवोकेट ने. किनको प्रोवाइड की है? मल्टीनेशनल कंपनी को, लोकेटेड इन द लंदन. आपको मुझे तीन चीज बतानी है, आपको मुझे तीन चीज बतानी है. क्या ये ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा? क्या ये ट्रांजेक्शन आउट ऑफ जीएसटी जाएगा, या इस ट्रांजेक्शन पर एडवोकेट को टैक्स पे करना पड़ेगा? आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे? तो क्या आंसर होगा आपका? सर चैट होस्टेड है, आप सिर्फ मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं. यहां पे आपके तीन व्यू आ रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ जीएसटी, कुछ लोग कह रहे हैं शायद लंदन में जो कंपनी है उसको टैक्स पे करना पड़े, और कुछ लोग कह रहे हैं एडवोकेट. परफेक्ट. एक क्वेश्चन और, उसके बाद में हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. मान लो एक इंडियन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी लिक्विडेट हो चुकी है, लिक्विडेशन में चली गई है. मान लो एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी, उसने अपना जीएसटी नंबर भी सरेंडर कर दिया फाइनेंशियल ईयर 18-19 में. 19-20 में वो लिक्विडेशन में गई है, और लिक्विडेशन में जाने का जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट
then he has received the bill of the advocate of rupees 2 lakhs. My question to all of you, again teen possibility, क्या ये transaction GST के बाहर चला जाएगा? Again, क्या company XYZ Private Limited को अपना GST number लेकर वापस उसको reverse charge में tax देना होगा या liability shifted to the advocate? इसका एक बार reply करें. Fine. अब एक बात करते हैं सर, एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. सर, किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? सर, या तो फॉरवर्ड चार्ज होगा या रिवर्स चार्ज होगा, राइट और रॉन्ग? अब अगर रिवर्स चार्ज है तो हमें उस नोटिफिकेशन की कंडीशन देखनी होती है, क्या वो नोटिफिकेशन की सारी कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है. अगर आंसर यस है, अगर आंसर यस है तो सर रेसिपिएंट विल पे द टैक्स. अगर आंसर नो है तब आपको दो चीज का एनालाइज करना होगा, क्या वो ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है या क्या वो ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है. अगर वो ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है तो नो क्वेश्चन ऑफ टैक्स, नाइदर रिवर्स चार्ज nor forward charge, or otherwise liability shifted to supplier. Repeat करता हूं वापस इस concept को मैं आपके साथ. Sir, पहला, all condition has to be satisfied. क्या चीज की condition? मैं condition बात कर रहा हूं reverse charge के notification की. रिवर्स चार्ज के नोटिफिकेशन की हम जानते हैं, आरसीएम का एक नोटिफिकेशन होता है, राइट? आरसीएम का एक नोटिफिकेशन होता है, उस नोटिफिकेशन में कुछ कंडीशन रहती है सप्लायर के ऊपर, रिसीपिएंट के ऊपर, ट्रांजेक्शन के ऊपर. अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आरसीएम. पैरेलली आपको ये चेक करना है क्या वो ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट तो नहीं है. पैरेलली आपको ये चेक करना है कि ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर एग्जेम्प्ट है तो सर ना तो आरसीएम लग सकता है ना फॉरवर्ड चार्ज, बिकॉज एग्जेम्प्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है. अगर ये बातें नहीं है देन लाइबिलिटी शिफ्टेड टू सप्लायर. आप एक सर्कुलर नंबर लिख सकते हैं, सर्कुलर नंबर 76, जिसमें गवर्नमेंट ने एक ट्रांजेक्शन को कवर किया था. कौन सा वो ट्रांजेक्शन था? वो ट्रांजेक्शन था कॉन्फिस्केटेड गुड्स सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट. अब आपको मैं एक बार एडवोकेट के ट्रांजेक्शन को आरसीएम के रेफरेंस में एक बार देख मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं. ये मेरा नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 है. सर्विस सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग द सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इंडिविजुअल एडवोकेट
including the senior advocate or a firm of advocate, any business entity located in the taxable territory, legal services को by way of corrigendum amend किया था उन्होंने 25 September 2017 को. पहले सिर्फ वो representational service को cover करता था, बाद में corrigendum आया और इस corrigendum ने क्या किया, legal services में include किया any services of any branch of the law and including representational services. पर मेरा question ये नहीं है, मेरा question है again वही advocate providing the legal services to the company located out of India, क्या वो सर्विस लीगल सर्विसेज है? आंसर इज यस, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो चुकी. क्या सप्लायर एडवोकेट है? आंसर इज यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी. रिसिपिएंट कंपनी लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया है, ये क्या बात करता है? रिसिपिएंट कैसा होना चाहिए? कोई भी ऐसी बिजनेस एंटिटी विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही. कौन से एग्जाम्पल में? सर वो एग्जाम्पल जो हमने अभी बात किया था, इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, और एक चीज आप ऐड कर सकते हैं कि सर ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में भी कहीं पे भी नहीं है, इट मींस लायबिलिटी शिफ्टेड टू सप्लायर. अगर ये ट्रांजेक्शन टोटल 20 लाख से ज्यादा है, एडवोकेट हैज टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड नीड टू पे द जीएसटी. ये मेरा एग्जाम्पल नंबर वन कवर हुआ. अब मैं क्वेश्चन नंबर टू में आता हूं, एग्जांपल या क्वेश्चन नंबर टू में आता हूं, जिसमें मैंने कहा कि एक कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी है, जीएसटी नंबर ऑलरेडी सरेंडर हो चुका है, बट इस बार ये कंपनी कहां पे है? लोकेटेड इन इंडिया. एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इट मींस दे आर सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन. सर सर्विस लीगल सर्विस है, प्रोवाइडर लीगल इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट है, और रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है, इन दैट केस और टैक्सेबल टेरिटरी में है, सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेबल टेरिटरी में है. क्या इस केस में कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा? एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सर आरसीएम का जब भी नोटिफिकेशन पढ़ो, पैरेलली आप एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन चेक करो, मैं सिर्फ लीगल सर्विस से रिलेटेड एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करता हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे. सीरियल नंबर 45 नोटिफिकेशन, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन हम सभी जानते हैं सर, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28 जून 2017 है. सीरियल नंबर 45 की बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट या नीचे सीनियर एडवोकेट की बात की गई है. अगर एक एडवोकेट फॉर्म ऑफ एडवोकेट किसी ऐसे पर्सन को सर्विस देते हैं जो बिजनेस नहीं कर रहा, या किसी ऐसे पर्सन को सर्विस देते हैं जो बिजनेस कर रहा है बट जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर इतनी है जिसके कारण उसको रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े, या वो बिजनेस ही नहीं कर रहा, इन दैट केस सर्विस वुड बी एग्जेम्प्टेड. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिवर्स चार्ज, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज. आपके जो भी क्वेश्चन है, हम लास्ट में 15 मिनट डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है. पहले मैं आपको मैटर समझा देता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद में हम डिस्कस कर लेंगे. मैं जिस सर्कुलर 76 की बात कर रहा था, एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. यह ट्रांजेक्शन है सर्कुलर 76 का, एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. सप्लायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी. क्या चीज की सप्लाई हो रही है? यूज्ड व्हीकल, सीज्ड, कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, इन आइटम का ट्रांजेक्शन कर रही है. कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है. किसके साथ कर रही है? रजिस्टर्ड पर्सन के साथ कर रही है. क्या है ये ट्रांजेक्शन? आरसीएम है. इस ट्रांजेक्शन के ऊपर कौन टैक्स पे करेगा? सर रिसिपियंट पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज.
एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी यूज्ड कार सेल की और मान लो इसकी वैल्यू 41 लाख है। मैं क्यों 41 लाख कह रहा हूं, ताकि वो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट का आपके माइंड में कोई पॉइंट ना रहे, ठीक है। किसको सेल की, एक दिल्ली में कंपनी है, इस कंपनी की टर्नओवर 10 लाख रुपए, कंपनी की टर्नओवर 10 लाख रुपए, लोकली सेल करती है, कोई लाइबिलिटी नहीं है सेक्शन 22 में और ना ही सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की। अगर ये यूज्ड कार इस कंपनी को वो सेल करती है, क्या इस केस में टैक्स इसको पे करना पड़ेगा, टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा या ये ट्रांजेक्शन आउट ऑफ जीएसटी चला जाएगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से एक बार रिप्लाई करें। फाइन। अब हम बात करते हैं, सर अपना चेक करने का वही पैटर्न रहेगा कि सर तीनों आरसीएम की जितनी भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। फर्स्ट, क्या ट्रांजेक्शन यूज्ड गुड्स का है, यूज्ड व्हीकल हो सकता है, सीज्ड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, सोल्ड ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स? आंसर इज यस, ट्रांजेक्शन यूज्ड कार का है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या सप्लायर गवर्नमेंट है? यस सर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या ट्रांजेक्शन जिसके साथ किया जा रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन है? एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड, एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड, मीनिंग देयर बाई वी कैन से दैट ऑल द कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड ऑफ द आरसीएम, सो इस कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो टैक्स पे करेगा, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स रेसिपिएंट तो नहीं पे करेगा अंडर आरसीएम। तो अब क्वेश्चन आता है कौन पे करेगा? आपको पैरेलली मैंने क्या कहा था, चेक कीजिए क्या ये ट्रांजेक्शन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में तो कवर नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, नोटिफिकेशन 12/2017 ये कवर नहीं है। इट मींस लाइबिलिटी शिफ्टेड टू द गवर्नमेंट, लाइबिलिटी शिफ्टेड टू द गवर्नमेंट, ये बात किसमें कही गई है? सर ये सर्कुलर 76 डेटेड 31 दिसंबर 2018 में कही गई है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सीबीआईसी की वेबसाइट से और डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, मान लो ये ट्रांजेक्शन 5 लाख का था, एज्यूम करता हूं ये ट्रांजेक्शन मात्र 5 लाख रुपए का था और गवर्नमेंट की कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, गवर्नमेंट की इस ट्रांजेक्शन के अलावा कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तब तो गवर्नमेंट बेसिक एग्जेम्पशन तो ले ही सकता है, बेसिक एग्जेम्पशन तो ले ही सकता है ना भाई, सेक्शन 22 में जो दी गई है या सेक्शन 24। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज लाइबिलिटी शिफ्टेड टू द सप्लायर। इन दिस केस मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, मैंने इसको 41 लाख कहा था, इस केस में गवर्नमेंट विल टेक द रजिस्ट्रेशन एंड नीड टू पे द जीएसटी। अब मैं अपने लास्ट डिस्कशन की तरफ मूव करता हूं, जो ट्रांसपोर्टर जीटीए का केस है। अच्छा एक बात और, आपको यहां से कहीं ऐसा मालूम तो नहीं चल पा रहा कि रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड होगा तभी आरसीएम होगा? मैं कंपैरिजन करवाना चाहता हूं, एक मेरा क्वेश्चन है, मेरे मन में डाउट है, क्या आरसीएम तभी एप्लीकेबल होगा जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है? नहीं सर, नॉट नेसेसरी। तो सर आपने यहां पर यह कहा, सर इस कैटेगरी में यहां पे लिखा हुआ है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो ही आरसीएम लगेगा। अब अगर आप जीटीए की कैटेगरी में जाओगे, मान लो मैं जीटीए की कैटेगरी में जाता हूं, जीटीए की कैटेगरी में क्या है सर, रेसिपिएंट की अगर बात करूं ना, वो रजिस्टर्ड की बात नहीं करता सिर्फ,
वो सेवन स्पेसिफाइड कैटेगरी की बात करता है। इसमें फैक्ट्री भी कवर है, सोसाइटी भी कवर है, कॉपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर अगर जीटीए की सर्विस अगर कोई कंपनी ले रही है और कंपनी एट द टाइम ऑफ टेकिंग द ट्रांजेक्शन अनरजिस्टर्ड है, स्टिल आरसीएम एप्लीकेबल होगा। सर ये रजिस्टर्ड नहीं है, याद करो सर सेक्शन 24 क्लॉज 3, याद करो सेक्शन 24 क्लॉज 3 क्या चीज के रिगार्ड में है। सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस क्या है, वो क्लॉज 3 कहता है अगर आपकी लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज में आती है तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इन माई एग्जाम्पल अगर जीटीए किसी कंपनी को सर्विस दे रहा है, ठीक है, वो अनरजिस्टर्ड है, he has to take mandatory registration कहां लिखा है, सेक्शन 24 क्लॉज 3 में। तो मेरा कहने का मतलब सर एक माइंड में मत रखना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, या मतलब मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए। सर रेसिपिएंट कैसा होगा हमें हर कैटेगरी में चेक करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो, कई बार हो सकता है जैसे लीगल के केस में क्या था, बिजनेस एंटिटी हो, कई बार क्या हो सकता है बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर एप्लीकेबल हो। जैसे एक वो ट्रांजेक्शन है ना मोटर कार का, जिसमें कौन होना चाहिए रेसिपिएंट, सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट। एक ट्रांजेक्शन आपको याद होगा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, वहां पे रेसिपिएंट क्या होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। ईच एंड एवरी कैटेगरी में आपको रेसिपिएंट चेक करना पड़ेगा। आप ये कॉमन पॉइंट नहीं बोल सकते कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तभी आरसीएम, नो। यहां तक क्लियर है? अब मैं आता हूं सर जीटीए के केस में। अच्छा एक फेवरेट नोटिस चल रहा है आजकल इन दिनों में, डिपार्टमेंट का नोटिस चल रहा है, मुझे सिर्फ आपका व्यू चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं क्या है पॉइंट, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं और आपको मुझे जवाब देना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर ए या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिख लीजिए आप, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड आइटम में डील करता है। सर एग्जेम्प्टेड आइटम की लिस्ट का है, सर नोटिफिकेशन नंबर 2/2017, वहां पे 180 प्लस आइटम है, जहां पे कौन कौन से आइटम एग्जेम्प्टेड है वो दिए गए। सप्लायर कौन है सर, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्टर, एक जीटी है। ये जो आइटम दे रहे हैं इन आइटम को कैरी कर रहे हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का कहना है अंडरलाइंग आइटम एग्जेम्प्टेड है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिवर्स चार्ज। क्या ये सही है या ये गलत है? मेरा पॉइंट है, क्या ये पॉइंट रेसिपिएंट का सही है या नहीं है? उसका कहना क्या है, जो आइटम एग्जेम्प्टेड है, कौन से आइटम, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 का, ओके? बोलता है जो भी नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 में आइटम है उनके ऊपर टैक्स नहीं पे करना। कौन सा सर, रिवर्स चार्ज में। क्लियर। अब मैं आता हूं मेन क्वेश्चन में। सर इस ट्रांजेक्शन में दो तरह की सप्लाई है। ये रिसेंट नोटिसेज इश्यू हुए थे इन द मंथ ऑफ फेब, उसकी बात कर रहा हूं, डिपार्टमेंट नोटिसेज की बात कर रहा हूं मैं। क्या है ये सर, इसमें दो ट्रांजेक्शन कवर है। एक ट्रांजेक्शन है सप्लाई ऑफ द गुड्स का, से मिस्टर ए है जो सप्लायर है इस गुड्स का, जो बी एबीसी को सप्लाई करता है। ये आइटम कहां पे कवर्ड है, एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन में कवर है। सो सप्लाई ऑफ द गुड्स एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड के लिए रेफरेंस आप क्या देंगे, आप मुझे रेफरेंस दे देंगे कोई भी 180 आइटम में, जो भी आइटम है। फुल्ली एग्री विद यू। मैं कहता हूं सेकेंड ट्रांजेक्शन कवर है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कौन सा,
सर बाई जीटीए टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, बाई जीटीए टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये एग्जेम्प्ट है? क्या ये एग्जेम्प्ट है? नॉट नेसेसरी. क्या ये एग्जेम्प्ट है? नॉट नेसेसरी. क्यों सर? हर एग्जेम्प्टेड आइटम का आरसीएम भी एग्जेम्प्ट हो जरूरी नहीं है. यहां पे कितने आइटम है सर? टोटल 180 प्लस आइटम है. मुझे एग्जेम्प्शन के लिए गुड्स की लिस्ट नहीं देखनी, मुझे एग्जेम्प्शन के लिए क्या देखना है? सीरियल नंबर लिख लीजिए, सीरियल नंबर 21 ऑफ एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन. सीरियल नंबर 21 ऑफ एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन वो क्या बात करता है? वो कहता है कि सर किस केस में जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी? किस केस में जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी? एक बार मैं आपके साथ शेयर करता हूं सीरियल नंबर 21. हालांकि जब हम जीटीए की बात करते हैं तो तीन सीरियल नंबर काम आते हैं, सीरियल नंबर 18, सीरियल नंबर 21. सीरियल नंबर 21 कैपिटल है, बट अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं या मेरे जो मेरे एग्जांपल में कवर हो रहा है वो सिर्फ सीरियल नंबर 21 कवर हो रहा है. ये आपका सीरियल नंबर 21 है. यहां पे अगर आपका अंडरलाइंग आइटम कवर है तो सर आउट ऑफ नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी. अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड है, ये 750 1500 इसको डिस्कस नहीं कर रहा मैं. मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस राइस ऑर्गेनिक मैन्योर न्यूज़पेपर रिलीफ मटेरियल डिफेंस, यहाँ पे कितने आइटम कवर किए? मात्र 8 आइटम कवर किए. हो सकता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो भी आइटम आते हो इनका नाम आपको एग्जेम्प्शन ऑफ गुड्स की लिस्ट में भी दिखाई देगा, नो डाउट. ये आइटम आपको हो सकता है एग्जेम्प्शन लिस्ट में दिखाई दे. एक बात बताता हूं. जैसे एक चीज मुझे बताना, राइस अगर ब्रांडेड है और राइस अगर अनब्रांडेड है, क्या ब्रांडेड राइस टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है? ब्रांडेड राइस सर एग्जेम्प्टेड नहीं है, टैक्सेबल है, अप्रिशिएटेड, टैक्सेबल है. अब मुझे एक चीज और बताना, क्या अनब्रांडेड आइटम एग्जेम्प्टेड है? यस, ये एग्जेम्प्टेड है. कहां लिखा है सर? नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 में. एग्री. अगेन मैं अपने मेन क्वेश्चन पे आता हूं सर. इसका मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, भली आइटम टैक्सेबल है अंडरलाइंग आइटम या अंडरलाइंग आइटम एग्जेम्प्टेड है, राइस का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्टेड है. प्लीज नोट वन थिंग, अगर मैं टैक्सेबल राइस को भी कैरी कर रहा हूं तो भी उसकी जीटीए सर्विस के ऊपर कंपनी को आरसीएम नहीं देना है. यहां पे कहां लिखा हुआ है ब्रांडेड राइस और कहां लिखा हुआ है अनब्रांडेड राइस? नहीं लिखा हुआ. इट मींस जब भी बात आप जीटीए सर्विस के एग्जेम्पशन की करेंगे आपको सीरियल नंबर 21 के इन लाइन आइटम को रेफर करना पड़ेगा. नॉट नेसेसरी अंडरलाइंग आइटम एग्जेम्प्ट है तभी इसका जीटीए सर्विस भी एग्जेम्प्ट होगा, वाइस वर्सा. नॉट नेसेसरी अंडरलाइंग आइटम टैक्सेबल है तो इसका जीटीए सर्विस भी टैक्सेबल होगा, जरूरी नहीं है. रिलीफ मेटेरियल माइक कुछ भी ले जा रहे हैं, मान लो इक्विपमेंट ले जा रहे हैं, ये टैक्सेबल है जीएसटी में, नो डाउट, बट इनका ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्टेड है. जब ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्टेड है तो नो क्वेश्चन ऑफ रिवर्स चार्ज. जब ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्टेड है नो क्वेश्चन ऑफ रिवर्स चार्ज और नो क्वेश्चन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कमिंग बैक टू द एग्जांपल, इस केस में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो एग्जेम्प्टेड आइटम ही डील करती है, क्या इसको आरसीएम नहीं देना? अब आप क्या बोलेंगे सर? एक बार सीरियल नंबर 21 चेक कर दीजिए. अगर अंडरलाइंग आइटम भले वो टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड कोई मतलब नहीं है हमें, अंडरलाइंग आइटम अगर सीरियल नंबर 21 में है तो नो आरसीएम. अगर सीरियल नंबर 21 में नहीं है, नॉट कवर्ड इन द सीरियल नंबर 21, सर यू हैव टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. इसी बात का कई स्टेट में नोटिसेस मैंने देखा है और द गवर्नमेंट इन दिस दे आर करेक्ट.
एक बार मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आपके पास में है, जो भी आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डिस्कशन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी अगर क्वेश्चन है रिलेटेड टू रिवर्स चार्ज एक बार बात कर सकते हैं। आज का जो भी डिस्कशन होगा उसका मैं प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर दूंगा, आज का जितना भी डिस्कशन हुआ मैं उसका प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर दूंगा। एक छोटा सा ईमेल आईडी मुझे दे देना, मैं एक अभी छोटा सा फॉर्म दे दूंगा जिसमें नाम और ईमेल आईडी लिख देना, आई विल शेयर द पीपीटीज। गैलेक्सी J6 आपने जो क्वेश्चन पूछा ये कंपोजिट तब होता जब सप्लायर दोनों का एक होता। मैंने क्या कहा, जो गुड्स की सप्लाई कर रहा वो मिस्टर ए है और GTA कौन है, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्टर। इफ दैट सप्लायर इज डिफरेंट देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। प्लीज कंफर्म, इज इट क्लियर? बिल्कुल सहज जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी हो, भली हो वो आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हो, और एक पॉइंट और है। छोटा सा आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इससे मुझे एक लिंक हुआ, एक एडवांस रूलिंग थी। सेक्शन 23 बोलता है अगर आप फुल्ली एग्जेम्प्टेड आइटम में सप्लाई कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। ये बात हम सभी जानते हैं, भले मेरी 40 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चन आता है, अगर आप एग्जेम्प्टेड में डील कर रहे हैं, मान लो एग्जेम्प्टेड में डील कर रहे हैं और आरसीएम की लाइबिलिटी आती है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? आंसर वुड बी यस। गिव मी ओनली 1 मिनट, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि वो एडवांस रूलिंग का नंबर भी मैं नाम भी आपको शेयर कर सकूं। 1 मिनट देना मुझे। मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा, तब आपको मैं वो भी अटैच कर दूंगा, वो पर्टिकुलर जो एडवांस रूलिंग का पेज है वो मैं पेज आपको अटैच कर दूंगा। वहां पे आप एक लाइन रेफर कर लेना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24, सॉरी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 93 एंड 94। मतलब क्या हुआ, अगर आप एग्जेम्प्टेड आइटम में डील करते हैं बट अगर आपको आरसीएम पे करना है अंडर सेक्शन 93 और 94, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर रेसिपिएंट एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10, नहीं, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 10, इट्स अगेन यस टू पे द जीएसटी लाइबिलिटी। अच्छा, एक कंफ्यूजन तो नहीं है ना, मान लो मैं कंपोजिट डीलर हूं, मैंने एडवोकेट की सर्विस ली, मुझे 1% टैक्स देना है? नहीं सर, जितना टैक्स उसके ऊपर है उतना पे करना है मुझे। मैं जीटी की सर्विस लेता हूं, मुझे 5% टैक्स पे करना है। स्नेहा जैन, जो आप पूछ रहे हैं टीडीएस और सप्लायर, देखो टीडीएस जब गवर्नमेंट रेसिपिएंट है तब 2.5 लाख से ऊपर एप्लीकेबल होता है। यहां पे गवर्नमेंट, अगर जो मेरा एग्जांपल था कॉन्फिस्केटेड गुड्स का 5 लाख का ट्रांजेक्शन है तो उसे रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, बट वो 2.5 लाख के ट्रांजेक्शन में बीइंग ए रेसिपिएंट उसे टीडीएस काटना है। और मेरे एग्जांपल आउटवर्ड सप्लाई का था, इनवर्ड सप्लाई का नहीं था। अभिषेक जी ने पूछा 750 और 1500 की लिमिट,
क्या है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं बाकी क्वेश्चन को देख लेता हूँ। समीर जी ने पूछा, इफ कंपनी डील ऑन बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड एंड इन द सेम ट्रक मटेरियल ट्रांसपोर्टेड, फर्क नहीं पड़ता ना सर, मुझे अंडरलाइंग आइटम को देखना है। अगर उसकी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है तो देखो, जब टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट है तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर मुझे फिर कंपोजिट और मिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा, क्या ये ट्रांजेक्शन कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है। अगर कंपोजिट है और प्रिंसिपल एग्जेम्प्टेड है, पूरा ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट होगा। विशाल जी एक बार मुझे बता देना कौन सा क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन, हो सकता है मेरे माइंड से स्किप हो जाए। रेट आरसीएम की 5% होगी और आईटीसी भी मिल जाएगा। हितेश जी नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर ट्रांजेक्शन में रेसिपिएंट कंपोजिट डीलर है तो वो ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नहीं। अगर सीएनडीएफ एजेंट जीटी की सर्विस भी दे रहा है तो अगेन यहां पे कंपोजिट सप्लाई का क्वेश्चन आएगा संजय जी, कि वो पूरे ट्रांजेक्शन के ऊपर लाइक 18% टैक्स चार्ज कर रहा है, नहीं कर रहा, या वो सेपरेट एक ट्रांजेक्शन को रिवर्स चार्ज में फॉलो कर रहा है, एक ट्रांजेक्शन को फॉरवर्ड चार्ज में फॉलो कर रहा है। प्रोबेबली क्या होगा कि सर वो फॉरवर्ड चार्ज के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू के ऊपर 18% जीएसटी चार्ज कर रहा होगा। अगर ऐसा है तो नो क्वेश्चन ऑफ रिवर्स चार्ज। एनडीएमसी बींग ए गवर्नमेंट बॉडी इज चार्जिंग द जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज ऑन लीज रेंट चार्ज विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन टू ए, वट इज माई लाइबिलिटी देन, वी बींग ए रेस्टोरेंट वॉन्ट गेट एनी इनपुट एंड वी फर्दर डिपॉजिट इन अंडर आरसीएम, इट विल एड इफ वी विल। आनंद जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक पॉइंट मुझे बताना, क्या जो एनडीएमसी चार्ज कर रहा है, जो एनडीएमसी गवर्नमेंट बॉडी है वो जीएसटी चार्ज कर रहा है 18%? मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सीरियल नंबर 5A अगर आप एक बार देखेंगे, एग्जेम्पशन सॉरी रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन 5A अगर मैं बात कर रहा हूं, सप्लायर गवर्नमेंट है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, रिपीट करता हूं, सप्लायर गवर्नमेंट है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रांजेक्शन मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। ट्रांजेक्शन क्या है मेरा, मैं एक मिनट आपको बता भी देता हूं साथ में। सीरियल नंबर 5A, अगर सप्लायर गवर्नमेंट है, ये इंसर्ट हुआ था 25th Jan 2018 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 3। सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट है। ट्रांजेक्शन क्या चीज का है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टैक्स कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। सो अगर गवर्नमेंट रेंट पे दे रही है तो उस ट्रांजेक्शन के ऊपर आरसीएम कवर्ड होगा। सो आप बोल सकते हैं कि सर आप टैक्स ना लगाएं। So, any other question? But उस केस में भी अगर मान लो वो एग्री नहीं कर रहा है तो आपके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं आएगी, हो सकता है वो रेंट और लीज में डिफरेंशिएट कर रहा हो। एक बार थोड़ी देर डिस्कशन और कर लेते हैं जीटी के ऊपर। अगर सप्लाई जीटीए की है, सप्लायर कौन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। कौन होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स
बाई रोड की सर्विस देता है प्लस वो इश्यू द कंसाइनमेंट नोट, उसे आप नाम लोरी का दो, लोरी रिसीट बोलते हैं कई बार, कई बार हम बिल्टी बोलते हैं और कई बार हम कंसाइनमेंट नोट बोलते हैं, कुछ भी बोलो, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड की सर्विस है वो इश्यू द कंसाइनमेंट नोट, सप्लायर और ट्रांजेक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज ए जीटीए। अब जीटीए के केस में दो ऑप्शन है, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज कब? दो केस में फॉरवर्ड चार्ज हो सकता है, अगर ये जीटीए खुद 12% टैक्स की रेट ऑप्ट करता है, अगर जीटीए खुद अगर टैक्स की रेट 12% ऑप्ट करता है, दूसरा जब आरसीएम की कंडीशन, जितनी भी कंडीशंस लिखी हुई है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन आरसीएम में क्या क्या कंडीशन है सर? एक तो जीटीए जो टैक्स की रेट ऑप्ट नहीं कर रहा है 12%, 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज में रेसिपिएंट है, 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज में रेसिपिएंट है, कौन कौन है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, फैक्ट्री, सोसाइटी, कॉपरेटिव सोसाइटी, कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एंड लास्ट क्या लाइन लिखी हुई है, इफ दे आर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब रेसिपिएंट शुड बी इन इंडिया, द रेसिपिएंट शुड बी इन इंडिया। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या होगा सर, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तब भी पे करेगा, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, मतलब मान लो जीटी की सर्विस लेने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो सर अगर वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करता है, 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करता है तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा बाय टेकिंग द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस। अब एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, अगर जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल और जिसको हम क्या कहते हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, मान लो मेरी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, मैं बिजनेस करता हूं ठीक है, बट मेरी टर्नओवर 10 लाख है, इसके लिए मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं जीएसटी में, बट मैं जीटीए की सर्विस लेता हूं, क्या इस ट्रांजेक्शन के ऊपर वही 3 सिचुएशन, टैक्स रिसिपिएंट को देना पड़ेगा, आउट ऑफ जीएसटी चला जाएगा या जीटीए देगा? अभय कुमार जी नहीं, 16C वाले, एक बार बात करता हूं मैं सर आपसे। तीन पॉसिबिलिटी सर, ट्रांजेक्शन में रिसीपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, कैसे पे करेगा सर? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के कारण। दूसरा सर लाइबिलिटी जीटीए की हो जाएगी। तीसरा आउट ऑफ जीएसटी। एग्रीड हो सर? एग्रीड हो। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। यहां से दो क्वेश्चन निकलते हैं इंपॉर्टेंट सर। पहला मैं बात कर रहा हूं सीरियल नंबर 21 कैपिटल ए इंसर्ट हुआ था 13th अक्टूबर 2017 को। सीरियल नंबर 21 कैपिटल ए इंसर्ट हुआ 13th अक्टूबर 2017 को। किसमें? एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में। क्या कहा? अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 6 कैटेगरी, अभी जो पीछे हमने 6 लोग पढ़े थे ना कि सर फैक्ट्री सोसाइटी कॉपरेटिव सोसाइटी इन सब के लिए एग्जेम्प्ट है, नहीं इनके लिए एग्जेम्प्ट नहीं है, इनको छोड़ के अगर कोई है तो एग्जेम्प्ट है। अगर आप फैक्ट्रीज हैं अगेन आरसीएम एप्लीकेबल है, सोसाइटी है आरसीएम एप्लीकेबल है, कॉपरेटिव सोसाइटी है आरसीएम एप्लीकेबल है, फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट सीटीपी आरसीएम एप्लीकेबल है। अगर इन 6 कैटेगरी के अलावा अगर और कोई कैटेगरी है, मैंने बोला प्रोप्राइटर हु इज अनरजिस्टर्ड इन द जीएसटी, यहां पे कवर्ड नहीं है सर, नॉट कवर्ड, इन दैट केस ट्रांजेक्शन वुड बी एग्जेम्प्टेड बाय वे ऑफ द सीरियल नंबर 21 कैपिटल ए, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। आज का लास्ट क्वेश्चन इसी सीरियल नंबर 21 कैपिटल ए के ऊपर।
2 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको, फिर मैं इसका डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन है जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्टर। GTA सर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द कंपनी लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया, एमएनसी कंपनी को सर्विस दे रहा है। मान लो एमएनसी कंपनी को सर्विस दे रहा है, सर्विस क्या चीज की है? GTA की सर्विसेज है। ये कंपनी आउट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, ये कंपनी आउट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, क्या होगा इस ट्रांजेक्शन के ऊपर? नो जीएसटी। सेकेंड, एमएनसी कंपनी आरसी में टैक्स पे करेगी। थर्ड, जीटीए टैक्स पे करेगा। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे 2 मिनट देना। मीनवाइल मैं आपका फॉर्म तैयार कर देता हूं जिसमें आप मुझे ईमेल आईडी दे देंगे तो मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। एक बार इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। एक ये फॉर्म का लिंक आपको दिया है, इस लिंक को क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा ताकि मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। सो इंपॉर्टेंट है ईमेल आईडी करेक्ट देना। और साथ में लास्ट में एक सजेशन मांगा है कि आप कोई भी टॉपिक जिसके रिगार्ड में हम लॉकडाउन में डिस्कशन करना चाहते हैं उस टॉपिक को आपको मुझे, आप मुझे बता देना, हम लोग वो टॉपिक भी कवर कर लेंगे इन एडिशन टू दैट। सो पहले आप लिंक देख लीजिए ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बता दीजिए। राजीव जी इस ईमेल आईडी में ये जो फॉर्म दिया ना, फॉर्म में आपको ईमेल देना है, चैट पे नहीं देना।
ये डिफरेंस है एडवोकेट के केस में और यहां केस में, क्या डिफरेंस है अभी बताता हूं सर। पहला बात है इसकी तो पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है भाई, ये नहीं हो सकता कि एमएनसी कंपनी को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो जीएसटी नहीं लगेगा या जीटी की लाइबिलिटी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पैरेलल कंपेयर करता हूं एडवोकेट के साथ। मैंने कहा था कि अगर एडवोकेट कोई लीगल सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना, एमएनसी कंपनी को, मैंने क्या कहा था, लाइबिलिटी शिफ्टेड टू दी एडवोकेट। बट यहां पे थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है, मैं यहां पे इस पॉइंट को कवर करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से यहां पे जीएसटी की पॉसिबिलिटी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं आप, लिटिगेटिव पॉइंट है। रीजन बताऊं, रीजन है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन सीरियल नंबर 21 कैपिटल है। मैं फुल्ली एग्री कर रहा हूं कि सर यहां पे आपके लिटिगेशन के चांस है, आप जो बोलेंगे डिपार्टमेंट बोलेंगे डिफर कर सकता है। बट मैं क्यों कह रहा हूं कि सर ये ट्रांजेक्शन आउट ऑफ जीएसटी चला जाएगा, बिकॉज ऑफ द सीरियल नंबर 21 कैपिटल है। इसने क्या कहा, अगर सप्लायर जीटीए है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पर्सन की मतलब क्या हुआ, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अदर देन दीज कैटेगरी, सर वो फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या है, इंडियन एक्ट की बात कर रहा हूं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है, इंडियन एक्ट की बात कर रहा हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनरशिप एंड बॉडी कॉर्पोरेट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इंडिया में अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो बात ठीक है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन। एंड बी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे ये लाइन नहीं है, यहां पे ये वर्ड नहीं है, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। क्या मतलब हुआ, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं और इन कैटेगरी में फॉल नहीं करते, भले आप कहीं पे भी हो, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो अगर आप इस 21 कैपिटल ए के बेस पर फाइट करना चाहें तो फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड मिसिंग है। सो मेरे हिसाब से जो कंपनी, जो मैंने एग्जांपल दिया था, वो क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है वो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पर्सन और 7 कैटेगरी में फॉल करती नहीं है, इट मींस द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द जीटीए वुड बी एग्जेम्प्टेड एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। यही फर्क है अगर जीटीए एमएनसी कंपनी लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया को सर्विस देते हैं या एडवोकेट एमएनसी कंपनी लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया को सर्विस देते हैं। फर्स्ट जीटी के केस में ये ट्रांजेक्शन एग्जेम्पशन सीरियल नंबर 21 कैपिटल ए में चला जाएगा, और दूसरे केस में ये ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी एडवोकेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। सो मेरी तरफ से आज का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि ये बेनिफिशियल रहा होगा आपको। रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो फॉर्म दिया है वो फॉर्म को कंप्लीट कर दें, सो दैट जैसे ही ये मेरा वेबिनार खत्म होगा मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगा मेरा पर्टिकुलर पार्ट आज का जो डिस्कशन किया था। सिमिलरली ऐसे क्रिटिकल पॉइंट को हम लेके आएंगे विद कासा प्लेटफॉर्म। एंड अगेन आई लाइक टू कन्वे माई थैंक्स टू सीए सुमित गर्ग जी फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। वन बाय वन टॉपिक करेंगे। एक मेरे माइंड में आ रहा है, एक टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्ड में, एक पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, एक पॉइंट आईटीसी के रिगार्ड में, आईटीसी ऑन द मोटर व्हीकल। ऐसे क्रिटिकल पॉइंट का हम इसी पैटर्न में हम एनालाइज करेंगे, इसी तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। सर समीर जी मेरे हिसाब से जीटीए, मैं प्राइमा फेसी अजम्पशन ले रहा हूं कि सप्लायर जीटीए। मोहित जी जो आप अपना फॉर्म फिल करेंगे ना वहां पे आप लिख दीजिएगा जो भी टॉपिक आप चाहते हैं ना उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, मैं फिल्टर करके मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन हो। सभी को वापस मैं एक बार फॉर्म दे रहा हूं। पांच मिनट और है हमारे पास में, मैं एक दो क्वेश्चंस और ले लूंगा। नो, आंसर इज नो। राजू जी
आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एवरी केस में, आंसर इज नो। देखो एक एग्जेम्पशन, एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 5/2017, ये नोटिफिकेशन आया था सेक्शन 23 के पावर को यूज करते हुए। इसमें क्या कहा गया था, अगर आपकी सप्लाई के ऊपर रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो मैं जीटीए हूं और मैं जिसको सप्लाई दे रहा हूं सारे रजिस्टर्ड है या उन 7 कैटेगरी में फॉल करते हैं, उस केस में लाइबिलिटी मेरे ऊपर शिफ्ट नहीं होगी। सेक्शन 23 का बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर मेरा अंडरलाइन ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है तब भी मुझे टैक्स नहीं देना। इट मींस अगर जीटीए विद इन डोमेस्टिक टेरिटोरियल एरिया अगर वो सर्विस देता है, ठीक है ना, तो कोई क्वेश्चन नहीं है जीएसटी का, रजिस्ट्रेशन का, अनलेस एंड अंटिल वो 12% की कैटेगरी में जाना चाहता है या एक दो पॉइंट और है। अनिल व्यास जी ने पूछा, जीटी अपनी सर्विसेज डीपीसीसी कमेटी और सीपीटी सोसाइटी को देती है, चार्ज 5% लगाती है, क्या रेट ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं। जीटीए के केस में रेट अगर वो लगा के देती है तो 12% ही रेट है, अदर देन 12% वो रेट चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर 12% के अलावा रेट चार्ज करती है ये ट्रांजेक्शन आरसीए में चला जाएगा। आप जिनको सर्विस दे रहे हैं आप सोसाइटी को दे रहे हैं, राइट? तो सोसाइटी तो वैसे ही कवर्ड है, जैसे ही 5% लगाया, अदर देन 12% लगाया, ये ट्रांजेक्शन तो आरसीए में चला ही जाएगा सर। If transporter itself charge GST on the bill to any 7 specified category, सोनिया गोयल जी, उस केस में उसको रेट 12% ऑप्ट करनी पड़ेगी, अदर देन 12 वो ऑप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 12 करेगा तो आरसीएम के बाहर चला जाएगा, 12 के अलावा करेगा तो आरसीएम में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, इवन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है। Yes, you can take the ITC, BLT, आप एक बार है ना, मैं वो फॉर ट्रांसपोर्टर के केस में, क्योंकि BLT देखोगे ना, BLT के ऊपर उसका जीएसटी नंबर भी होगा, उसका जीएसटी नंबर भी होगा। समीर जी एक बार कंफर्म करें, जितने पैरामीटर होते हैं ना, जितने पैरामीटर होते हैं रूल 56 के अकॉर्डिंग एंड अदर रूल्स, जीएसटी के अदर रूल्स के अकॉर्डिंग, वो सारे पैरामीटर वहां पे कवर्ड है, देयरफॉर we can take the ITC on the basis of that document. So Anil ji, मेरा ये है कि उस transaction के केस में, जो आपका transaction है उस केस में RCM pay करना पड़ेगा, because recipient 7 specified category में fall करता है, point number one, point number two, GTA 5-12% charge नहीं कर रहा। So thank you very much, have a good day. एंड मेरी रिक्वेस्ट है फॉर्म सभी लोग सबमिट कर देना ताकि ये पीपीटीज मैं आपको दे सकूं, ये फॉर्म सभी लोग सबमिट कर देना ताकि मैं पीपीटीज आपको दे सकूं। समीर जी, गिव मी सम टाइम, आई विल गेट बैक टू यू। समीर जी, गिव मी सम टाइम, आई विल गेट बैक टू यू। आपका फॉर्म आपने अपना ईमेल आईडी देंगे तो मैं सुमी जी के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है सर? थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच सुमित जी, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।